हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो क्या आप भी रोज रोज पोहा या फिर उपमा खा खा कर परेशान हो गए हैं? तो क्या आप भी ऐसे नाश्ते की रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बहुत ज़्यादा तेल का यूज भी ना हो और बनाने में आसान भी हो? तो मैं ये रेसिपी आपके लिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस हेल्दी और कम तेल वाले नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए थे। चावल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। और आधा कप ली थी मैंने उड़द की दाल, व्हाइट वाली जो बिना छिलके वाली होती है। देखिए, मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, इस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ ना, तो ये अच्छे से फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी जार में डालकर इसको पीस लेंगे। मैंने इसको जार में ट्रांसफर कर लिया है और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी डाल लिया है। इसको हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने अपने दाल चावल को पीस लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही फाइन पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्मूथ है और इस तरीके से लेके देखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं लग रहा है। तो हम इसको वापस से उसी बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक इसे फेंट लेंगे एक साइड में घुमाते हुए। और अब हम इसे क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंटेशन होने के लिए। इसमें उड़द दाल डाली है तो वो फर्मेंट होती है, तो उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा जो हमारा ये पेस्ट है ना, इसमें खटास आ जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको सुबह नाश्ते में बनाना है, रात को इसे तैयार करके रख सकते हैं। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूं। हमारे 2 घंटे हो गए हैं, अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फर्मेंट हो गया है। तो एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। अब मैं यहाँ पे डालूंगी, मैंने एक छोटी साइज की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसके अंदर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, एक बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और इन सभी चीजों को हम मिला लेंगे। ये देखिए, इन्हें हमने सब चीजों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें प्याज और हरा धनिया डाला है ना, इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तब तक हम एक इसके लिए अच्छी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने पैन लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, या आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया है। इसको हम गरम होने देंगे। गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सरसों। इसको चटकने देंगे, सरसों हमारी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 10-12 कड़ी पत्ते, इनको भी डाल देंगे। कोशिश करें कड़ी पत्ता जरूर डालें, अगर नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक प्याज ली थी और इसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, पतला पतला। इसको भी हम डाल देंगे, इसको बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही भूनेंगे, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो फ्रेश कूट कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली है शिमला मिर्च, लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर होगी। इसको भी इसके साथ डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मटर भी डाल सकते हैं, या फिर अपने पसंद की और भी सब्जियां इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसको भी 2 मिनट तक इसके साथ भून लेंगे। शिमला मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, यहाँ पे मैंने छोटे ही साइज का लिया है। टमाटर, इसको भी डाल देंगे। बहुत ज्यादा टमाटर का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। इसके साथ यहाँ पे डाल देंगे हम टेस्ट स्वाद के अनुसार नमक, ताकि हमारा टमाटर जल्दी पक जाए। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भी हम भून लेंगे। इस तरीके से दबाते हुए हम इसको मैश कर देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं और शिमला मिर्च हैं मैश हो जाएं। और ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। फ्लेम हम अपना कम कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं हल्दी, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सांभर मसाला। सांभर मसाला इसमें जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर बाई चांस आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप मैगी मसाला या फिर गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाएं और इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, इनका कच्चापन निकल गया है। अब मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए थे, इनको मैंने मैश करके ले लिया है एकदम बारीक से। इसको इसके अंदर डाल देंगे
और मसालों के साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट तक इसे भी मसालों के साथ भून लेंगे। तो हमने अपने आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और ये अच्छे से भून गए हैं। स्टफिंग भी तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया ढेर सारा और इसको भी इसके साथ मिला देना। फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी चटपटी सी तीखी सी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो हम इसे साइड रख देंगे, अपना बैटर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गई हैं, अब अपना बैटर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा बहुत अच्छा हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और इसमें हम अपना आधा बैटर निकाल लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, आधा ही लेंगे। हमने आधा बैटर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने आधा टीस्पून ली है फ्रूट सॉल्ट इनो। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडे का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा पानी लूंगी और इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे क्या होगा, पानी डालने से हमारी जो इनो है या फिर जो बेकिंग सोडा होता है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इसको एक डायरेक्शन में घुमाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और काफी फ्लिपी हो गया है। अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस नाश्ते में हम बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा तेल इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। आप इसको कढ़ाई में, किसी फ्राई पैन में या फिर आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी राई। राई की जगह आप काली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल। इसको हल्का सा चटकने देंगे। इससे क्या होता है, इसमें बहुत अच्छी टेस्ट भी आता है और ये देखने में अच्छा भी लगता है। ऑप्शनल है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी राई और तिल अच्छे से चटकने लगे हैं, हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है इसको इस तरीके से एक बार घुमा लेंगे अच्छे से और एक चमचा भर कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। और इसको 2 चमचे डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत मोटा भी नहीं बनाएंगे और बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे। इसको फैला देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। सिर्फ मैंने 2 चमचे बैटर ही इसमें डाला था, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डाला था। जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, वो उस पर चारों तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं फैलाएंगे, इस तरीके से सारे पर फैला देंगे। हमने स्टफिंग इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया। अब हमारा जो बैटर है, अब हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे। जो हमारी स्टफिंग है इसको कवर कर देंगे अच्छे से। अगर आपको बैटर लगे ज़्यादा थिक हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। मैंने अपनी सारी स्टफिंग को कवर कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है। हमें इसे बिल्कुल कम फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि अगर इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हम कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकने देंगे। 7 से 8 मिनट हो गई हैं, हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक गया है, ऊपर से एकदम कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से हिला के देखेंगे। ये देखिए इसमें हिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे से पक गया है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे ताकि जब हम इधर से इसको पकाएंगे ना, इधर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब मैंने यहाँ पर पलटा लिया है, इसको इसके नीचे से डालेंगे और इस तरीके से इसको हम पलट देंगे। आराम से पलट जाता है और ये देखिए कितना क्रिस्पी और कलर कितना अच्छा आया है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा तेल का यूज भी नहीं किया है। 2 से 3 मिनट तक हम नीचे से भी खुला पका लेंगे इसको। हमने इसको इधर से भी 3 से 4 मिनट पका लिया है। अपना फ्लेम बंद कर देंगे, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और इसमें इस तरीके से हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है हमारा बहुत ही टेम्पटिंग सा कम तेल वाला जो नाश्ता है, बनकर तैयार है। इसको मैंने यहाँ पे सर्व किया है नारियल की चटनी के साथ। आप चाहे तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं इसको आपको एक बार कट करके दिखा देती हूँ। आप चाहे तो इसे इडली बैटर का जो पेस्ट बच जाता है ना, उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो बेल बटन है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इंजॉय करते हैं अपने सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट को।